हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी वैष्णो देवी ट्रिप का थर्ड पार्ट है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख ही चुके थे कि हम कटरा पहुंच चुके थे, और कटरा पहुंचते ही आपको रास्ते में काफ़ी सारे होटल वाले मिल जाएंगे। वो अपने बेनिफिट्स वगैरह भी बताएंगे आपको कि वहाँ पे आपको किस किस चीज़ की सुविधा मिल सकती है। होटल मिलते ही हमने लंच कर लिया था, और क्योंकि हमें रात को 8 बजे यात्रा के लिए निकलना था, इसलिए हमने दिन में आराम करके और हम निकल पड़े थे यात्रा के लिए। जाने के 2 दिन है, आने के 2 दिन तो वापस आने के। ऐसा क्यों? जैसे गाड़ी घूम के आती है ना, बंद ही रहता है। यहाँ पर जो हमने एक होटल बुक किया था उसका किराया हमें पड़ा था 600 रुपये पर नाइट। यहाँ पर हम होटल के क्लॉक रूम में सामान जमा करवा चुके हैं और हम निकल रहे हैं सीधा ऑटो बुक करके, जहाँ से हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी वहाँ तक के लिए। और रास्ते में आप देख ही सकते हैं पूरी मार्केट खुली हुई है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है रात में ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि सुबह सुबह वो लोग माता रानी के दर्शन कर पाएँ। तो हमें रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिल चुके थे जो कि अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। तो ये है यात्रा शुरू करने से पहले का एंट्रेंस गेट, जहाँ से हमारी वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होगी। और यहाँ पे हमारा सामान सारा चेक होगा जो कि हम ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामान के साथ साथ आपकी यात्रा पर्ची भी चेक होगी। तो यात्रा शुरू करने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपके पास यात्रा पर्ची है, और पूरे यात्रा के दौरान वो आपके पास रहनी भी चाहिए। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, या फिर एयरपोर्ट या बस स्टॉप से भी बना सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और यहाँ पर हम बाणगंगा पहुँच चुके हैं। माना जाता है कि यहाँ पे स्नान या हाथ पैर धोकर ही हमें यात्रा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी के कहने पर एक जगह पर बाण चलाया था, जहाँ से गंगा मैया की धारा बही थी। क्योंकि हनुमान जी को गंगा माता का ही पानी पीना था, इसीलिए इस जगह को बाणगंगा कहा जाता है। तो बाणगंगा पार कर हम चल रहे हैं सीधा आगे को, और आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है दुकानें सजी हुई थी। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, आपको यहाँ पे दुकानों में हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर हम पुराने रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि हमको काफ़ी घोड़े खच्चर रास्ते में मिले हैं। तो पुराने रास्ते में आपको घोड़े व पालकी की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही ये वाला रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है और काफ़ी इसमें चढ़ाई भी है। तो ये बात रही पुराने रास्ते की, और अब मैं आपको ताराकोट मार्ग, जो कि अभी नया बना है, उसके बारे में बताती हूँ। ताराकोट मार्ग में आपको घोड़े व पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आपको अगर पालकी या घोड़ों की सुविधा चाहिए तो आपको पुराने मार्ग से ही यात्रा करनी होगी। और साथ ही पुराने मार्ग की तुलना से जो ताराकोट वाला मार्ग है उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है। वैसे तो ताराकोट मार्ग पुराने मार्ग से थोड़ा छोटा है, लेकिन हमें बाणगंगा के दर्शन नहीं हो पाते, इसलिए हम पुराने मार्ग से ही आगे को बढ़े। और कहीं कहीं पर हमने सीढ़ियों का भी इस्तेमाल किया ताकि हम जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच जाएं। अभी हम 3 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहां से आप कटरा का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। रात का काफ़ी सुंदर लग रहा है। बस एक बार
अभी बज रहे हैं रात के 10:30 बजे, तो लगभग हमें अर्धकुंवारी पहुंचने में 2.5 घंटे लग गया है। तो अर्धकुंवारी दर्शन के लिए हमें एक टोकन लेना पड़ता है, जिसको दिखा के ही हम अर्धकुंवारी दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी भीड़ होने की वजह से हमारा नंबर कल तक आ पाएगा, इसलिए आज हम अर्धकुंवारी पे नहीं रुकेंगे, हम सीधा ऊपर भवन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमने टोकन ले लिया है, और क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक कुछ खाना नहीं खाया था, कहीं पे हमने रेस्ट नहीं किया था, तो 1/2 घंटा हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे और खाना खा के हम सीधा भवन की तरफ चलेंगे। ये है अर्धकुंवारी मंदिर का परिसर, जहाँ पर काफ़ी लोग अपना अंदर जाने के लिए वेट कर रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। अब हमने यहाँ पर डिनर कर लिया है और अब हम चलते हैं भवन की तरफ। और ये अर्धकुंवारी से नीचे का बहुत ही सुंदर नज़ारा है रात का। तो मिलती हूँ आपको मैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए प्लीज़ मत जाइए। ओके बाय।